नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना YouTube चैनल, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771717700 पर आपको WhatsApp करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज आपको एक नई चीज सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का विषय है जन्म कुंडली में किस भाव से क्या विचार करना चाहिए, किस भाव से क्या देखेंगे। एक बार इसको पूरा देख लीजिए और आप समझ जाएंगे, मैं समझाते हुए आपको बताऊंगा। कुंडली में 12 घर होते हैं, जो पूरे 12 घर होते हैं सब मिला करके 360 अंश होते हैं। लग्न कुंडली आपके सामने होगी तो जो पहला चतुर्भुज होता है, लग्न कुंडली ऊपर लिखी होगी उसके सामने पहला चतुर्भुज, चार चतुर्भुज होते हैं, 1 2 3 4, इन चारों चतुर्भुज को केंद्र कहते हैं और उस इन चारों के बाद त्रिभुज होते हैं। तो जो पहला चतुर्भुज होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसको पहला घर बोलते हैं या लग्न बोलते हैं, लग्न भाव या पहला घर। लग्न मतलब होता है शरीर, पहले घर से क्या क्या विचार करेंगे, किसी व्यक्ति के शरीर की का विचार करेंगे, शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, बनावट कैसी होगी, शारीरिक बल कैसा होगा, या पहले भाव से विचार करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जितने भी भाव हैं उस भाव का सुख तब अच्छा मिलता है जब उस भाव का स्वामी बलवान हो या उस भाव में नीच का ग्रह ना हो। जिस किसी भी भाव में नीच का ग्रह होता है उस भाव के फल में कमी आ जाती है। तो आप अपनी कुंडली देख के जान सकेंगे कि किसका अधिक फल आपको मिलेगा और किस में कमी आएगी। लग्न से पहले घर से शरीर बल का विचार, आत्मविश्वास का विचार करते हैं और सिर का विचार करते हैं, सौभाग्य का विचार करते हैं। दादी का विचार लग्न से होता और प्राथमिक शिक्षा यानी मान सकते हैं 8वीं तक की शिक्षा का विचार पहले भाव से होता है। अब अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर नीच का ग्रह होगा तो इन सारे तत्वों में कमी आ जाएगी, अर्थात व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं जाएगी, दादी, शरीर, आत्मबल, सिर आदि से संबंधित कुछ तकलीफें मिल सकती हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ लग्न के बाद जो दूसरा घर बना है, दूसरे भाव से चेहरे का विचार होता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा होगा तो व्यक्ति के चेहरे में तेज होगा, अपनी तरफ खींचने वाला होगा। शुभ ग्रह गुरु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, बुध हो, उच्च का ग्रह हो, तो व्यक्ति का चेहरा बहुत ही सुंदर होगा, मुख सुंदर होगा, मुंह के अंदर मसूड़ों को, दांतों आदि को, जीभ आदि को दूसरे घर से ही देखेंगे। अब अगर यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, नीच का ग्रह बैठा हो, तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर यहाँ राहु है, केतु है, उस पर अशुभ प्रभाव है, दूसरे घर में नीच का ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति मुख के माध्यम से कुछ नशीली वस्तुओं का सेवन कर सकता है। धन भी देखेंगे, बैंक बैलेंस दूसरे घर से ही देखेंगे, दूसरे घर का स्वामी बलवान हो, दूसरे घर में अच्छे ग्रह हो तो बैंक बैलेंस अच्छा बनेगा। कुटुंब का विचार दूसरे घर से होता, कुटुंब मतलब जो आपके भाई और पटीदार हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी मतलब ऐसे वो पड़ोसी जो आपके खून के रिश्ते से जुड़े हैं यानी पटीदार लोग। अगर यहाँ पर पाप ग्रह होगा, घर दूषित होगा, तो कुटुंबियों से सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरा घर खराब होगा तो धन हानि का भी योग बनेगा, बैंक बैलेंस बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। खराब ग्रह होगा, नीच का ग्रह होगा, तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होगी, व्यक्ति हाई स्कूल की पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा बड़ी अच्छी होती है, हाई स्कूल खराब हो जाता है, इंटर अच्छा होता है या हाई स्कूल तक ठीक है, इंटर खराब है, तो ये भावों के अनुसार पता चलेगा। तो अगर दूसरे भाव में का स्वामी अच्छा नहीं है तो हाई स्कूल की शिक्षा खराब हो सकती है। तो चेहरा, मुख, धन, बैंक बैलेंस और सोने चांदी की मात्रा, आभूषण आदि का विचार यहाँ से करेंगे। तीसरे भाव से क्या विचार करेंगे, तीसरे भाव से हम विचार करते हैं नाक, कान, गले की, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, और व्यक्ति के बांह की, बाहू, जो दोनों हाथ है, इनका विचार इसी तीसरे भाव से होता है। तीसरा भाव श्वास नली भी है, अगर कुछ लोगों को दमा आदि के पेशेंट होते हैं, सांस लेने में दिक्कत है, नाक, कान, गले में दिक्कत है, तो उनका तीसरा घर जो है और तीसरे घर का स्वामी जो है वह अवश्य ही अशुभ प्रभाव में है।
छोटी यात्राओं का विचार तीसरे भाव से करते हैं, कभी कभी तीसरे भाव से छोटी व्यवसायिक यात्राओं का भी विचार होता है। छोटे भाई बहन का विचार इसी घर से होगा, व्यक्ति कितना पराक्रमी है, व्यक्ति के अंदर धैर्य है, पराक्रम है कि नहीं है। खेल कूद का विचार इसी तीसरे भाव से होगा। अगर तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह मतलब जिनका स्वभाव क्रूर हो, जो बहुत दयावान ना हो, जैसे कि सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं। और अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिल्लाहट से, लड़ाई झगड़े से दूर रहना ही पसंद करता है। तो तीसरे भाव का बलवान होना जरूरी है, पाप ग्रह बैठना अच्छा माना जाएगा, ताकि छोटी छोटी बातों पर ऐसा व्यक्ति टेंशन ना ले। छोटी छोटे विवाद में ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य बना रहता है, ऐसा व्यक्ति वीरता का प्रदर्शन करता है। चौथे घर की बात करते हैं। कुंडली में चौथा घर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जो भौतिक सुख है हमारे, वह सब चौथे घर से देखेंगे। जैसे माता का विचार चौथे घर से होगा, घर का, गाड़ी का, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी जो है, इन सब का विचार चौथे घर से करेंगे। चौथा घर हमारा निवास स्थान होता है, जो हमारे निवास स्थान को बताएगा। अगर आप नेतागिरी करते हैं, नेता जननायक बनना चाहते हैं, तो चौथा घर पब्लिक हाउस भी होता है। चौथा घर अच्छा होगा, चौथे घर पर शनि की दृष्टि हो, शनि बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जनता का समर्थन अच्छा मिलता है। अन्य शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा समर्थन मिलता है। अब यहाँ पर पहले घर से प्राथमिक शिक्षा, दूसरे से हाई स्कूल और तीसरे भाव से इंटरमीडिएट की शिक्षा, 12वीं की शिक्षा का ज्ञान मिलेगा। ऐसे चौथे घर से ग्रेजुएशन की शिक्षा का विचार करना चाहिए। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन जो पढ़ाई होती है वो यहाँ से देखेंगे। आपके जीवन में सुख लग्जरी का विचार चौथे घर से ही होगा। लग्जरी कितनी आपको मिलेगी, हृदय का विचार चौथे घर से किया जाएगा। पांचवें घर से बुद्धि देखेंगे कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। बुद्धि कई प्रकार में, जैसे कि एक होती है बुद्धिमान हो व्यक्ति, एक होता है कुटिल बुद्धि हो, एक होता है सुबुद्धि, पांचवें घर से देखेंगे। और टेक्निकल शिक्षा का विचार भी यहीं से करेंगे। संतान का विचार करेंगे कि आपको संतान का सुख है कि नहीं है, संतान नहीं है तो क्या बाधा है, क्यों बाधा है, पुत्र पुत्री आदि के सुख का विचार यहाँ से किया जाएगा। भाग्य का विचार भी इस घर से होगा, क्योंकि यह घर नवें भाव से नवम है। नवम से नवम भावत, भावत के सिद्धांत से भाग्य का विचार होता है। और व्यक्ति की पेंट, तोंद, बेली जिसको बोलते हैं, उसका भी विचार इसी भाव से होता है। छठवें भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार करेंगे। व्यक्ति के कंपटीटर्स जो हैं उनका विचार करेंगे। तो अगर छठवें भाव में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, उग्र ग्रह होते हैं, अगर अग्नि तत्व वाले ग्रह हों, उग्र स्वभाव वाले ग्रह हों, पाप ग्रह हों, तो व्यक्ति को शत्रु समझ में आसानी होती है। व्यक्ति अपने कंपटीटर्स पर हावी होता है। आंतों का विचार भी इसी भाव से करेंगे। तो यहाँ पर पाप ग्रहों का होना अच्छा है। शुभ ग्रह होने से व्यक्ति शत्रुओं का समन करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी छठवें में आ जाए, क्योंकि दूसरा भाव धन का है और छठवां भाव ऋण का है, दूसरे का स्वामी छठवें में आए या छठवें का स्वामी दूसरे में जाए, तो भी रोग ऋण का योग बन जाता है। ऋण ऐसे व्यक्ति को चलता है। अगर ऋण नहीं रहेगा तो रोग रहेगा, रोग नहीं रहेगा तो ऋण रहेगा। तो कभी कभी कुछ अपने जीवन में कर्जा बनाए रखना, ऋण बनाए रखना भी अच्छा माना जाता है, अगर यहाँ के स्वामियों में परस्पर परिवर्तन हुआ हो। सातवें भाव से क्या विचार करते हैं। सातवें भाव से पत्नी को देखेंगे, आपके पत्नी कैसी है। किसी भी भाव, ये क्यों, लग्न क्या है, आपका शरीर है, आप खुद हैं। लग्न जो पहला भाव है, यह आप स्वयं हैं। किसी भी भाव से सातवां भाव उसकी पत्नी का होता है। जैसे यह आप स्वयं हैं, तो सातवां भाव आपकी पत्नी का हुआ। यह माता का हुआ तो सातवां भाव किसका हो जाएगा, पिता का हो जाएगा। यह संतान का हुआ तो यहाँ से सातवां पुत्रवधू का हो जाएगा। तो किसी भी भाव से सातवां घर जो है उसके जीवन साथी का होता है। सातवें घर आपकी कुंडली में, सातवें घर से पत्नी का विचार होगा, ससुराल का विचार होगा। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सूट करेगा कि नहीं, ये भी बात पता चलेगी सातवें घर से। व्यवसाय पता चलता है, क्योंकि दशम से दशम है, व्यवसाय का विचार करते हैं। मंथली या डेली इनकम का भी विचार सातवें घर से होता है। हवाई यात्राओं का भी विचार होता है, और मूत्राशय का और मूत्र से संबंधित अंगों का विचार इस सातवें घर से होगा। अब कुंडली में सातवें घर में अगर उच्च का ग्रह हो, तीसरे घर में जहाँ जहाँ यात्राएं हैं, नवम भाव से भी यात्रा होता है, दशम से भी और बारहवें से, तीन से और सात से,
ये मुख्य यात्रा के भाव हों। अगर यहाँ पर उच्च के ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति हवाई यात्राएं करता है। अष्टम भाव से मृत्यु का विचार करते हैं, शोक का विचार करते हैं, जीवन में कितना संघर्ष रहेगा, बीमारी क्या रहेगी, गुप्तांग का विचार करते हैं और पाइल्स, बवासीर आदि बीमारियां हो जाती हैं, आठवें घर से विचार करेंगे। अगर लग्न और अष्टम में जो बलवान होगा उसी का फल ज़्यादा मिलेगा। अगर लग्न बलवान है तो व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ेगा। लग्न से ज़्यादा बलवान अष्टम है तो व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। लग्न और अष्टम में जो बलवान होगा उसी अनुसार से व्यक्ति का जीवन चलता है, यानी लग्नेश का बलवान होना ज़्यादा अच्छा है। अष्टमेश बलवान होगा, आठवां घर बलवान होगा तो संघर्ष बढ़ जाएगा। नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, धर्म कर्म का, व्यक्ति की ईश्वर के प्रति भक्ति का विचार करते हैं, क्योंकि यह भाव पंचम से पंचम बन जाता है। तो धर्म का, भाग्य का विचार यहाँ से करेंगे। व्यक्ति की बुद्धि धार्मिक कार्यों में है कि नहीं विचार करेंगे। व्यक्ति के भाग्य का विचार करते हैं और शारीरिक अंग में जंघा का विचार होता है। ईश्वर भक्ति का विचार इसी भाव से होता है और यात्राओं का भी विचार इसी भाव से होगा। दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव कुंडली में सबसे अच्छा राजयोग देने वाला भाव होता है। अगर दशम भाव में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा है तो अपने आप में एक राजयोग है। अगर कोई भी ग्रह दशम भाव में उच्च का बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अवश्य ही तरक्की करता है और उसकी तरक्की अचानक से शुरू होती है। तरक्की की राह वह अचानक से पकड़ लेता है। दसवें भाव से पिता का विचार करेंगे, यश और प्रसिद्धि का विचार करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी नीच ग्रह बैठा है, किसी भी घर में नीच का ग्रह है तो जिन जिन फलों को लिखा गया है उसमें कमी आ जाएगी। दसम भाव में नीच का ग्रह होगा तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, नौकरी में रुकावटें आ सकती हैं, कोई आक्षेप लग सकता है। उच्च का ग्रह होगा तो उतनी ही अधिक प्रसिद्धि मिलेगी, व्यवसाय उतना अच्छा चलेगा। शासन प्रशासन वाला भाव, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस पीसीएस या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है तो दशम भाव का बलवान होना जरूरी है। और शारीरिक अंगों की बात करें तो दशम भाव से पैर के जोड़ का पता चलता है, पैर के गांठों का पता चलता है। अगर दशम भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति को उम्र के साथ में पैरों के जोड़ में दर्द की इच्छा, दर्द की शिकायत रह सकती है। ग्यारहवें भाव से लाभ देखते हैं। ग्यारहवें भाव से जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे कितना कमा पाएंगे ये भी पता चलेगा। लाभ इच्छा पूर्ति का भाव है। अगर अच्छा ग्रह बैठा है, यहाँ पर लगभग सभी ग्रह अच्छे होते हैं, बस वे नीच के ना हों। अगर यहाँ पर नीच का ग्रह नहीं है तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती रहती है। पुत्र वधु का विचार यहीं से करेंगे। और जो निचला पैर का हिस्सा है, यानी पतला वाला पैर है, घुटनों के नीचे वाला पैर है, उसका विचार यहाँ से होता है। बारहवें भाव से हम विदेश का विचार करते हैं, व्यय का विचार, खर्च, व्यय भाव है, खर्च का विचार करते हैं, विदेश गमन का विचार करते हैं, जेल का विचार कर सकते हैं, भोग का विचार करते हैं, संयम सुख का भाव भी यही है। अब अगर इस घर में पाप ग्रह होंगे तो व्यक्ति को समय समय पर नींद में कमी महसूस होगी, पैर का जो तलवा है उसका विचार इसी भाव से करेंगे। तो ये सामान्य रूप से आप इसको नोट कर लीजिए और जान लीजिए किस भाव से क्या विचार करते हैं, ताकि आगे के कार्यक्रमों में आपको आसानी रहेगी समझ पाने में कि क्या बताया जा रहा है और चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको, कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।